अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंसेस की सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था हमने लास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। काइंडली मेरी वो वीडियो इस वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स क्या कैसे हम पर उसको बनाते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। आज जो है मैंने एक डायलॉग है, ये दो पार्ट्स हैं, एक मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, एक कन्वर्सेशन, एक जो है वो एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें यू विल लर्न अलॉट अदर डायलॉग्स और जो हैं वो अदर कन्वर्सेशन होगी उसमें, जैसे घर के अंदर रह, जैसे हम जो घर के अंदर बातचीत करते हैं। इन इस डायलॉग में हम ये देख रहे हैं कि आप दो फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में फ़ोन पर कन्वर्सेशन करते हैं, तो देखते हैं जहाँ जहाँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। यू कैन आप जो है ये डॉक्यूमेंट जो है आप नोट करें और उसको मार्क करें कि कौन कौन से टेंसेज जो हैं वो यूज़ हुए। कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेज जो आप पीछे कवर कर चुके हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं, तो इस पूरी कन्वर्सेशन में आप देखें कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, और उसकी उसके यानी कि सेंस को समझने की कोशिश करें कि हम किस मकसद के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं और किस मकसद के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। एज वी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज मेनली फोकसिंग ऑन द एक्टिविटी, वो एक्शंस जो इन प्रोग्रेस हों, इन प्रोसेस हों, तो उन पे उनको बयान करने के लिए या सवाल करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखते हैं जी, फ्रेंड वन जो है वो फ़ोन पर बात करता है, हे व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग, अरे क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके। और हे व्हाट्स अप, ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ करते हैं, हाल चाल क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें से एक ट्रांसलेशन मिस हो गई है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले वाला का जो है हे व्हाट्स अप, अरे क्या चल रहा है, ये उसका है ट्रांसलेशन। व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, काइंडली आप इसको नोट कर लें, तुम क्या कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि व्हाट WH वर्ड जब भी यूज़ होगा उसके और सब्जेक्ट के दरमियान अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो क्वेश्चन बनेगा, तो आगे देखें उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड टू जो है वो उसमें मैं उसको रिप्लाई करता है, तुम क्या कर रहे हो, देखें वो उसके करंट जो एक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेकंड फ्रेंड जो है वो रिप्लाई कर रहा है, आई एम स्टडी फॉर द हिस्ट्री टेस्ट टमोरो एंड फिनिशिंग द मैथ होमवर्क, मैं हिस्ट्री के कल के टेस्ट और मैथ के होमवर्क को ख़त्म करने के लिए पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर द, ये कॉम्प्लीमेंट है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी, क्या है, फॉर द हिस्ट्री टेस्ट, हिस्ट्री टेस्ट टमोरो, कल के हिस्ट्री टेस्ट के लिए। इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या ट्रांसलेशन होगा, फॉर द हिस्ट्री टेस्ट टमोरो, कल के हिस्ट्री टेस्ट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और एंड और फिनिशिंग द मैथ होमवर्क, ये फिनिशिंग जो है यहाँ पे ये मैंने कहा था कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, एंड फिनिशिंग जो है ये आपका लिंक कर रहा है पिछले सेंटेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो बोलने में हम सब्जेक्ट को इम्पेरेटिव हाइड कर देते हैं, जैसे आई एम स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री टेस्ट टमोरो, एंड जो लिखने में सेंटेंस बनता है जो आप जो कि ग्रामेटिकली ठीक है, जो वो कहना चाह रहा है, वो इसका मतलब ये है कि एंड आई एम फिनिशिंग द मैथ होमवर्क। तो बोलने में हम आई एम को रिपीट नहीं करते, पिछले सेंटेंस में आई एम यूज़ हो गया, अगले सेंटेंस में जो है आई एम फिनिशिंग द मैथ होमवर्क आई एम आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आप यूज़ कर चुके हैं पिछले सेंटेंस में। आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है रिगार्डिंग कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस है बेसिकली, वो भी आप मेरी वो सीरीज़ की वो वीडियोस भी वॉच करें, देयर यू आर गोइंग टू लर्न ट्रांजिशन वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें कुछ बारीक पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आई एम स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री टेस्ट टमोरो, मैं कल के हिस्ट्री टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये आई एम आ गया, एंड फिनिशिंग, ये आई एम फिनिशिंग है, आई एम दोबारा आप यूज़ ना करें, आप कर भी लें, आई एम स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री टेस्ट टमोरो एंड आई एम फिनिशिंग द मैथ होमवर्क, साउंड डजेंट साउंड नाइस, जब आप बात कर रहे हो तो स्पोकन में बार बार सब्जेक्ट जब सेम हो तो उसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, अगर वो वर्ब है,
वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आई एन जी यूज़ हो रहा है तो उसके उससे पहले उसका वर्ब होने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। इट डजेंट मीन कि ये फिनिशिंग खाली है, इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब इम्पेरेटिव है, हिडन है, छुपा हुआ है, स्पीकर जो है वो उसको ओमिट कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है, बट इट इज़ देयर, सो इट्स अ वर्ब। और मैथ का होमवर्क जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी सेंस बनेगी। नेक्स्ट है जी, ये उर्दू ट्रांसलेशन पे ना जाइएगा, जो मैंने आपको बताया उसको ज़रा नोट कर लें, ये थोड़ी सी मुझे इसमें मैथ के होमवर्क को ख़त्म करने के लिए पढ़ रहा हूँ कुछ है, और जो है ख़त्म कर रहा का मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं हिस्ट्री के कल के टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ और मैथ के होमवर्क को ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो है काइंडली नोट कर लीजिएगा। तो आप देखें किस तरह से, यानी कि ये सेंटेंस हम किस तरह से वो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हो रहा है। नेक्स्ट है जी आपका, फ्रेंड वन सेज व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, ठीक है। अब नाउ इफ यू आर, अगर आप काउंटर क्वेश्चन करें अपने दोस्त से, एक आपने पिछले क्वेश्चन का उसको रिप्लाई किया, फिर उसी से आप इसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसकी यही सेंस बनती है, आपके बारे में क्या। नेक्स्ट है जी फ्रेंड टू, सेम जैसे आप कर रहे हो, सेम मैं भी, वो भी पढ़ रहा है, फ्रेंड टू जो है वो भी पढ़ रहा है, सेम यानी कि इसी तरह यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरह सेम, तो इससे भी सेंस जो है वो समझ आती है, सेम। वेल आई एम ऑल्सो क्लीनिंग माई रूम, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये भाई जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपना कमरा भी साफ कर रहे हैं, लेकिन वेल आई एम ऑल्सो क्लीनिंग माई रूम, मैं अपने कमरे की सफाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि ये जो एक्शन वो कर रहा है उसकी उसको बारे में बता रहा है कि मैं ये काम भी कर रहा हूँ। एंड टॉकिंग टू माई सिस्टर ऑन फेसबुक, ये यहाँ पे भी, एंड आई एम टॉकिंग टू माई सिस्टर ऑन फेसबुक, ठीक है, बट स्पोकन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को बार बार यूज़ नहीं करते, अगर दो जुमलों में और उनके दरमियान एंड आ रहा हो तो हम उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। मेरी ये वो सीरीज कंपाउंड सेंटेंसेस वाली ज़रूर देखिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह ताला, ये कंपाउंड सेंटेंस है बेसिकली, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है एंड के साथ, एंड आई एम टॉकिंग टू माई सिस्टर, ठीक है, आई एम यूज़ नहीं किया। आप भी स्पोकन में कभी अगर दो एक्शन आप ऊपर नीचे बता रहे हों जो आप कर रहे हों, तो आप आई एम के साथ यूज़ करेंगे पहले सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में आपका वर्ब के साथ आई एन जी से वो स्टार्ट होगा और एंड के साथ वो ज्वाइन होगा, और इसका मतलब यही है, आई एम टॉकिंग टू माई सिस्टर ऑन फेसबुक जी, इसका मतलब ये बनेगा मैं अपने कमरे की सफाई भी कर रहा हूँ और अपनी बहन से फेसबुक पर बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, दोनों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डू यू नो व्हाट विल बी ऑन द टेस्ट, डू यू नो व्हाट विल बी ऑन द टेस्ट, क्या तुम जानते हो कि इम्तिहान में, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, डू यू नो क्या तुम जानते हो, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, व्हाट विल बी ऑन द टेस्ट, कि टेस्ट इम्तिहान में क्या होगा, ठीक है जी, व्हाट विल बी ऑन द टेस्ट, डू यू नो, देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया यहाँ पे, तो क्या तुम जानते हो कि इम्तिहान में क्या होगा। नेक्स्ट है जी आपका, फ्रेंड वन, वेल आई एम स्टडिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, मैं, ठीक है, वेल ठीक है, मैं वर्ल्ड वॉर वन, ये इम्तिहान के बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन कि इम्तिहान के बारे में क्या होगा, उस पर वो फ्रेंड वन उसको जवाब दे रहा है इस तरह से, ठीक है, मैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का मुतालिया कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, स्टडिंग पढ़ रहा हूँ, मुतालिया कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, मैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का मुतालिया कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड टू सेज, ओ थैंक्स, वेल आई एम ट्राइंग टू स्टडी बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आई लर्न, ओ शुक्रिया, ठीक है, यानी कि उसको आइडिया हो गया कि क्या पढ़ना है, किसकी तैयारी करनी है, वो मैं मुताला करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, लास्ट किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि एक ही जुमले में सिर्फ एक ही वर्ब होता है, सेकेंड टाइम अगर वर्ब यूज़ करना हो तो उसकी टू के साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और एक जेरंड फॉर्म होती है जिसको मैं एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव जो है वो यूज़ होता है, जिसमें जेरंड में हम वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आई एम ट्राइंग, वर्ब की वैकेंसी फिल हो गई, वेल आई एम ट्राइंग, आगे अब टू लगेगा, या आई एम गोइंग शॉपिंग, ठीक है, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो शॉपिंग वहाँ पे वर्ब नहीं है, वो जेरंड है, वहाँ पे शॉपिंग करने उसका मतलब निकलेगा, यहाँ पे टू स्टडी का मतलब बनेगा
मुतालिया करने, ठीक है, मैं मुतालिया करने की कोशिश कर रहा हूँ. वेल आई एम स्टडिंग, सॉरी, वेल आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ठीक है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आई लर्न, बट आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मुझे याद नहीं रहता है एनीथिंग, कुछ भी आई लर्न, ये यहाँ ये पास्ट इंडेफिनेट है, आई लर्न, जो मैंने सीखा. देखें टेंसेज ने किस तरह से ग्रिप किया हुआ है सेंटेंसेज को. तो जब तक आपकी टेंसेज की प्रैक्टिस नहीं होगी, दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है, यू कैन आई मीन आप इसी कन्वर्सेशन के अंदर अपने आइडियाज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है. वेल आई एम ट्राइंग टू स्टडी, वेल आई एम ट्राइंग टू फोकस, बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आई लर्न, जो मैंने सीखा मुझे कुछ नहीं याद रहता है, ठीक है, जो सीखा मुझे कुछ याद नहीं रहता है. तो देखें जिस तरह से टेंस आ रहा है उसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन आ रही है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं पीछे, आप अगर उनको प्रैक्टिस करें कि कौन से जुमले के एंड पे क्या आएगा और वो कौन सा टेंस बनेगा. काइंडली इसको साथ रखें और डायलॉग के साथ इसको सीखें, होपफुली यू विल लर्न अ लॉट. और आपकी जो ये जितनी भी एम्बिक्विटीज़ हैं कि स्पोकन में समटाइम्स सम पीपल से टू मी लाइक टेंसेज से कहाँ इंग्लिश बोलनी आती है, बट यू कैन सी हमारी हर डायलॉग में एक मैं पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ कि हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं अपनी लैंग्वेज में मदर टंग के अंदर, तो हम कभी भी टेंसेज का ख्याल नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि माजी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, और हम जो प्रैक्टिस रूटीन को डिस्कस कर रहे हैं तो कौन सा, हाँ मैं ये खाता हूँ, मैं वर्जिश करता हूँ, हम कभी नहीं सोचते कि मैं ता हूँ लगा रहा हूँ, ठीक है, या रहा हूँ लगा रहा हूँ, अगर किसी काम की कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. लाइकवाइज यू शुड प्रैक्टिस टेंसेज इन अ मैनर, इस तरह से प्रैक्टिस करें इनको कि वो आपके माइंड की रूट्स में जो है ना वो बैठ जाएं, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि यार मैंने माजी में के रेफरेंस की बात करनी है, या मैंने कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है, अपने दोस्त से शेयर करना है, मैंने कोई अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर करनी है, या मैंने कोई रूटीन शेयर करनी है, या मैंने क्या क्वेश्चन करना है. तो आपके टेंसेज इतने बिल्ट इन होने चाहिए ब्रेन में कि आपको अपनी मदर टंग की तरह सोचना ही ना पड़े, बट इट कम्स ओनली विद द प्रैक्टिस. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंसेस. तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्रेंड वन सेज वेट अ सेकेंड. तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी, जिसमें सब्जेक्ट हिडन है, एम्प्लॉयड है, इम्पेरेटिव है रादर. सो वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुको, इसमें जब आप वर्ब स्टार्ट में आ रहा हो तो दिस इज कॉल्ड योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड इट इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांडिंग समथिंग. ओके, और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मेरा एक लेक्चर है जिसमें आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें मॉडल वर्ब्स काफ़ी सारे यूज़ होते हैं. अच्छा जी, वेट एंड सेकेंड, एक सेकेंड रुको, ठीक है. तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसी ही होगी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ, ईट दिस, इसे खाओ, ठीक है. तो ये जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब स्टार्ट पे आता है, और इसमें इसकी सेंस ये होती है कि आइदर इट्स गोइंग टू बी अ कमांड और रिक्वेस्ट. सो वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको, माय सिस्टर इज़ बीइंग सो अनोइंग. फीलिंग्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी एडजेक्टिव्स के साथ आई एन जी, ऐसे वर्ड्स जो फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं, बोरिंग, अनोइंग, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जब आई एन जी इनके साथ यूज़ होता है तो वो एक चीज, वो क्वालिटी बयान कर रहा होता है, और जब ई डी के साथ आएँ तो वो आपकी फीलिंग्स होती हैं इन एक्चुअल, ठीक है. इसमें जो है जैसे annoying, गुस्सा चढ़ाना, गुस्सा चढ़ा रही है, ठीक है, यानी कि उसकी वो क्या कर रही है, उसकी बहन, मेरी बहन ऐसी हो रही है कि वो गुस्सा चढ़ा रही है. अगर वो ये कहे कि आई एम सो annoyed, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरी फीलिंग्स इस वक्त गुस्से वाली हैं. तो जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स जो फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं, आई विल शेयर, डेफिनेटली शेयर अ लिस्ट विद यू गाइस कि कौन कौन से वर्ड हैं, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है इंशाल्लाह, वो भी मैं अपलोड करूँगा कि कैसे आपने बोरिंग और इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं उनको कैसे आपने यूज़ करना है. बट पॉइंट हियर टू नोट दैट, जब भी आपने किसी ऐसी एडजेक्टिव जो कि फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता हो उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो उसकी क्वालिटीज़ को बयान कर रहा है. जैसे बोरिंग बुक, दिस बुक इज़ सो बोरिंग, यानी कि ये बोर कर देने वाली है, और ऐसी क्वालिटी है कि दूसरे उससे बोर हो जाते हैं. यानी कि जब आप किसी चीज़ के साथ बोरिंग, या किसी बंदे के साथ भी आप किसी को माई फ्रेंड इज़ सो बोरिंग, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर है, इसका मतलब ये है कि वो बोर कर देने वाला है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी है कि यार वो इज़ सो बोरिंग, आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं उससे नहीं, मैं नहीं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग बंदा है.
तो बोरिंग जो है वो किसी की क्वालिटी, कोई चीज़ भी हो सकती है, इट कैन बी असाइन टू अ मूवी एज वेल। मूवी वॉज सो बोरिंग, तो मूवी जो है वो बहुत बोरिंग थी। तो जब आई वॉज बोर्ड, मैं बोर हूँ, वो फीलिंग्स है, ठीक है। जब भी ईडी के साथ आएगा तो वो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने का मतलब होगा उसका। जब ईडी आएगा, बोर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम अनॉयड, मैं गुस्से में हूँ, तो ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, शी इज़ प्लेइंग हर म्यूजिक टू लाउड। वो बहुत ऊंची आवाज से अपना म्यूजिक चला रही है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। शी इज़ प्लेइंग हर म्यूजिक टू लाउड एंड माई सिस्टर इज़ बींग सो अनोइंग। मेरी बहन मुझे बहुत गुस्सा परेशान करने वाली हो रही है, ठीक है, बहुत गुस्सा दिलाने वाली हो रही है। और पीछे आपका इम्पेरेटिव आ गया। ओके, ग्रेस टर्न डाउन द म्यूजिक। द नेम ऑफ हिज सिस्टर इज ग्रेस। ग्रेस टर्न डाउन द म्यूजिक। ग्रेस, म्यूजिक, अपना म्यूजिक हल्का करो, उसकी आवाज़ कम करो, ठीक है। तो ओवर हेयर दिस इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, टर्न डाउन द म्यूजिक। सो सब्जेक्ट आ गया, नाम लेके उसने कहा ग्रेस टर्न टर्न डाउन द म्यूजिक, कि म्यूजिक की आवाज़ कम करो, ठीक है। तो ये दिस इज अ कमांड, कमांडिंग सेंटेंस, और इसमें इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे, यहाँ पे टर्न जो है वो वर्ब है आपका। नेक्स्ट है जी, ओके, आई एम लिसनिंग नाउ। जब उसने अपनी बहन को ऑर्डर किया, उसके बाद दोबारा ही इज टर्निंग बैक टू हिज फ्रेंड एंड ही इज सेइंग ओके आई एम लिसनिंग नाउ। हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ, बात करो, यानी कि आई एम लिसनिंग टू यू नाउ, ये भी कह सकते हैं, आई एम लिसनिंग नाउ। तो देखें, अब मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, तो बात, यानी कि तुम कंटिन्यू रखो, ठीक है, अब मैं अब सुन रहा हूँ। फ्रेंड टू सेज ओ आई वॉज जस्ट सेइंग, यानी कि वो पिछली बात को रिपीट कर रहा है। आई वॉज जस्ट सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू स्टडी, कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉज जस्ट सेइंग, मैं कह रहा था, यहाँ भी ये पास्ट कंटिन्यूस है, मैं कह रहा था के दैट के आई एम ट्राइंग टू स्टडी। ट्राइंग, देखें वर्ब आ गया, उसके बाद टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग आई लर्न। दैट मीन्स, लेकिन, आई डोंट रिमेंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं याद नहीं रखता हूँ एनी थिंग, कुछ भी आई लर्न, जो मैंने सीखा। ये पिछला सेंटेंस उसने रिपीट किया। नेक्स्ट है जी आपका, फ्रेंड वन सेज वेल आई एम चेकिंग माई ओल्ड हिस्ट्री नोट्स। अब ये उसको सजेशन दे रहा है इन अ वे, वेल आई एम चेकिंग माई ओल्ड हिस्ट्री नोट्स। वेल, ठीक है, मैं, आई एम चेकिंग माई ओल्ड हिस्ट्री नोट्स, मैं अपने पुराने हिस्ट्री के नोट्स चेक कर रहा हूँ, टू रिमेंबर वट वी लर्न इन क्लास। टू रिमेंबर, याद करने के लिए, टू रिमेंबर, ठीक है, इन्फिनेटिव, याद करने के लिए। वट वी लर्न इन क्लास, जो हमने क्लास में सीखा, यानी कि मैं, जो हमने क्लास में सीखा उसको याद रखने के लिए, याद करने के लिए मैं हिस्ट्री के पुराने नोट्स चेक कर रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ यानी कि स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रहा होगा, क्योंकि वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि भाई मैं तो हिस्ट्री के पुराने नोट्स जो हैं वो पढ़ रहा हूँ, वो चेक कर रहा हूँ, टू रिमेंबर, याद रखने के लिए। वट वी लर्न इन क्लास, जो हमने क्लास में सीखा। तो ये उसको एक हेल्प कर रहा है कि तुम भी, एक गाइड कर रहा है कि तुम भी पुराने नोट्स जो है ना उनको निकालो और उनको मेमोराइज करो या उनको पढ़ो, तो तुम्हें चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है, टू रिमेंबर मैंने आपको बता दिया है, वो आपका इन्फिनेटिव है, याद रखने के लिए, याद करने के लिए। व्हाट वी लर्न इन क्लास, वो आपका पास्ट इंडेफिनेट है, और उससे पहले आपका आई एम चेकिंग माई ओल्ड हिस्ट्री नोट्स इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यू शुड डू द सेम, ठीक है जी, वही बात हो गई कि वो उसको भी कह रहा है कि मैं तुम्हें, यानी कि ये उसको सजेस्ट कर रहा था, यू शुड डू द सेम। यू शुड जो है, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब आपको हमेशा एडवाइस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो, ये मेरे लेक्चर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं इंशाल्लाह ताला। शुड जो है मॉडल वर्ब कैसे यूज़ होता है, आपने उसको, आपको भी इच्छा, शुड जो है वो मॉडल वर्ब है, और इसका मतलब होता है आप किसी को एडवाइस कर रहे हो। यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस बिजनेस, यू शुड ज्वाइन दिस कंपनी, यू शुड, यानी कि जब भी आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं आपको ये करना चाहिए। सो दैट मींस यू आर गिविंग एन एडवाइस टू समवन। यू शुड डू द सेम, तुम्हें भी ये ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे एडवाइस की सेंस बनती है जी। दैट्स गुड आइडिया, दैट्स गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। बट फर्स्ट आई हैव टू फाइंड माई नोटबुक, बट फर्स्ट आई हैव टू, आई हैव टू, मैंने कहीं आपको बताया हुआ पहले भी कि ये मस्ट की जगह यूज होता है। आई हैव टू, मुझे करना होगा, मुझे करना चाहिए, बिल्कुल पहले मुझे करना चाहिए, ठीक है, या करना होगा। आई हैव टू, यू आर बाउंड टू डू दैट फर्स्ट। आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी, मुझे करनी पड़ेगी, आई डोंट हैव एनी चॉइस लेफ्ट।
ठीक है, हो सकता है कोई इंटरव्यूज दिए हैं, कॉल नहीं आ रही, आई हैव टू जॉइन दिस कंपनी, मुझे ये कंपनी जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी, आई डोंट हैव मच चॉइसेस लेफ्ट, मुझे ज़्यादा चॉइसेस मेरे पास नहीं है, तो बट फर्स्ट आई हैव टू फाइंड माई नोटबुक, मुझे तलाश करनी पड़ेगी मेरे नोटबुक्स जो हैं, नोट्स बुक जो है वो तलाश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू यू थिंक सारा एंड रैंडी आर डूइंग टू स्टडी फॉर द टेस्ट, अपने दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, सारा एंड रैंडी आर डूइंग, करके सारा और रैंडी क्या कर रहे हैं, आपके ख्याल में सारा और रैंडी टेस्ट के लिए पढ़ने को क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका फ्रेंड वन सेज, आई थिंक दे ऑर्गेनाइज अ स्टडी ग्रुप एंड दे आर स्टडिंग टुगेदर विद सैम एंड नीना इन स्टारबक्स नाउ, आई थिंक दे ऑर्गेनाइज पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने इंतजाम किया है, आई थिंक मैं सोचता हूँ दे ऑर्गेनाइज, उन्होंने इंतजाम किया है अ स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप का इंतजाम किया है, एंड और दे आर स्टडिंग टुगेदर, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, पीछे आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट मिक्स है, एंड दे आर स्टडिंग टुगेदर, और वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं, टुगेदर इकट्ठे स्टडिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, और वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं विद सैम एंड नीना, और सैम और नीना भी शामिल हैं इस ग्रुप में, इन स्टारबक्स नाउ, स्टारबक्स जो कैफेटेरिया वहाँ पर वो अब पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आप इसकी ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड टू जो है, दैट्स गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, यानी कि ग्रुप स्टडी करने का आइडिया बहुत अच्छा, दैट्स अ गुड आइडिया, तो ये एक बहुत अच्छा ख्याल है, बट आई वुड गेट टू डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन मेरा ध्यान हट जाएगा, यानी कि अगर मैं उनकी जगह हूँ, आई वुड गेट टू डिस्ट्रैक्टेड, तो जब यानी कि आप ये यहाँ पे सेंस ये है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान हट जाता, सो आई वुड गेट टू डिस्ट्रैक्टेड, मेरा तो भाई बहुत ध्यान हट जाएगा, आई कैंट इवन स्टडी अलोन एट होम, मैं घर में भी नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी कि आई कैंट इवन स्टडी अलोन एट होम, मैं इवन यानी कि मैं हत्ता के घर पर अकेला नहीं पढ़ सकता हूँ, आई एम डाउनलोडिंग अ न्यू थ्रिलर मूवी, मैं एक सनसनीखेज फिल्म डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट, and I'm listening to the new Taylor Swift album, और मैं Taylor Swift उनका जो सिंगर है उसकी एक एल्बम जो है वो सुन रहा हूँ, तो देखें ये डाउनलोडिंग और लिसनिंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पीछे हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है जी, और उससे पहले कैंट के साथ वो आपका मॉडल वर्ब है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो अपनी सलाहियत डिस्कस कर रहा है, एबिलिटी, ही इज़ नॉट एबल, कैंट की जगह वो आप टू एबल वो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू एबल टू, आई एम नॉट एबल टू स्टडी, I'm not even able to study alone at home. ठीक है, तो can't use कर सकते हैं, these can be used interchangeably. Okay, that's a good idea. वो आपका बी फॉर्म सेंटेंस है, सेंटेंस वो आपका बी फॉर्म वर्ब, कि अच्छा ख्याल है, बट आई वुड गो, वो आपका फिर जो है वो मॉडल वर्ब यूज़ हुआ, आई वुड गो जो है कि मैं, मेरा ध्यान हट जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मॉडल वर्ब समटाइम्स आप यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, आई विल मेक एन अदर लेक्चर on this topic inshallah. Next है जी, मैं thriller movie download कर रहा हूँ और Taylor Swift का नया album सुन रहा हूँ, ये आपका present continuous है. Are you even studying for the test at all dear? क्या तुम वाकई पढ़ भी रहे हो? ठीक है dear, प्यारे दोस्त, क्या तुम वाकई पढ़ भी रहे हो? यानी कि इतना कुछ तुम कह रहे हो, तुम movies भी download कर रहे हो और music भी सुन रहे हो, क्या तुम वाकई test के लिए मुकम्मल तौर पर पढ़ रहे हो? ये भी आपका present continuous question है. ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड टू जो है सेज, आई एम ट्राइंग टू स्टडी कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टू स्टडी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टडी बट इट इज़ जस्ट सो बोरिंग, तो ये भी जो है वो पढ़ना जो है वो एक बोरिंग एक्टिविटी है, इट इज़ जस्ट सो बोरिंग दैट मेक्स मी बोर्ड. ठीक है, अगर मैं बोर यानी कि वो इतनी बोरिंग है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो बोर उसने अपनी फीलिंग्स का नहीं बताया, उसने स्टडी के बारे में कहा, इट्स जस्ट सो बोरिंग कि ये इतनी बोर कर देने वाला काम है स्टडी जो है, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट सो बोरिंग, लेकिन ये इतना बोर कर देने वाला काम है, क्या स्टडी, यानी कि स्टडी जहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया बट प्रीवियस सेंटेंस में उसने रेफर कर दी है स्टडी को, आई एम ट्राइंग टू स्टडी बट इट्स जस्ट सो बोरिंग, कि स्टडी करना जो है वो बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी है, इट मेक्स मी बोर्ड. आर यू स्टडिंग अ लॉट फॉर दिस टेस्ट, अब वो काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, आर यू स्टडिंग, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू पीछे भी यूज हुआ है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर यू स्टडिंग अ लॉट, अ लॉट वेरी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा इंग्लिश में पीपल जो हैं वो वेरी नहीं यूज़ करते अपने सेंटेंसेस में, आइदर दे आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ. आर यू स्टडिंग अ लॉट फॉर दिस टेस्ट, क्या तुम इस टेस्ट के लिए बहुत तैयारी कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. यह आई एम, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ मैं, यस आई एम, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ. आई नो इट्स बोरिंग, आई नो, यह आई एम, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. ये मैंने आपको बताया था कि जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, जैसे लास्ट में देखें, आर यू स्टडिंग अ लॉट फॉर दिस टेस्ट, क्या तुम स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आर के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यस नो आंसर होते हैं. यस आई एम, ठीक है, तो यस आई एम इसका आंसर होगा, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसका सेंस ये बनेगी, ठीक है, यस आई एम. ये बेसिकली रिप्लाई जो है वो पिछले जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो, यानी कि यस नो वाला क्वेश्चन होता है, उसके साथ लिंक होता है इसका. यस आई एम, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ. आई नो इट इज़ बोरिंग, मैं जानता हूँ ये जो है ये बोरिंग है, मैं ये जानता हूँ कि ये बोरिंग है, ठीक है, पढ़ना, यानी कि. फ्रेंड टू सेज, ओ नो, ओ नहीं, वी विल बी अप ऑल नाइट स्टडिंग फॉर दिस टेस्ट, वी विल बी अप, ठीक है, ये आपका वी विल बी अप, हम जागेंगे, वी विल बी अप, स्टे अवेक, यानी कि हम जागते रहेंगे, हम जागेंगे, ऑल नाइट स्टडिंग, तमाम रात, ठीक है, स्टडिंग पढ़ते हुए, फॉर दिस टेस्ट, ठीक है, इस टेस्ट के लिए, वी बेटर स्टार्ट नाउ, स्टडिंग फॉर दिस टेस्ट, वी बेटर स्टार्ट नाउ, वी बेटर स्टार्ट नाउ, यू बेटर डू दिस, बेहतर है तुम ये करो. ये भी एक एडवाइस में आता है यूज, ये भी आपका यू हैड बेटर की एक सेंस है, जो कि आपके मॉडल वर्ब्स में ये कवर होती है, आप किसी को एडवाइस करते हैं, तो यहाँ पे हम हैड बेटर भी यूज़ कर सकते हैं. वी बेटर स्टार्ट नाउ, ठीक है, हैड बेटर का पास से कोई ताल्लुक नहीं है, वी बेटर स्टार्ट नाउ, बेहतर है कि हम शुरू करें, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप है, वी बेटर स्टार्ट नाउ, बेहतर है हम शुरू करें. ओ नो, वी विल बी अप ऑल नाइट, हम सारी रात जागना पड़ेगा, हम जागेंगे, स्टडिंग फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट को तैयार करने के लिए, इस टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए, वी बेटर स्टार्ट नाउ, बेहतर है कि हम अब शुरू कर दें, ठीक है जी, अब शुरू करें. फ्रेंड्स से वन सेज, वी आर गेटिंग टू डिस्ट्रैक्टेड व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, वी आर गेटिंग टू डिस्ट्रैक्टेड, हम बहुत ज़्यादा, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा हट रहा है, यानी कि when we talk to each other, मैंने आपको बताया था wh word के बाद जब भी subject के बीच में helping verb आएगा तो वो question बनेगा. यहाँ पर देखें when we, इनके दरमियान कोई helping verb नहीं है, wh word के बाद फौरी तौर पर w आ गया, तो ये आपका positive statement है. when we talk to each other, we are getting too distracted, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा हट रहा है. even when we talk to each other, यहाँ पर आप even भी लगा सकते हैं, even के हम अगर बात भी करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो भी हमारा ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा हट जाता है. वी आर टर्निंग एवरीथिंग ऑफ एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टडिंग. अब ये भी देखें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कितना ज़बरदस्त जुमला है. वी आर टर्निंग एवरीथिंग ऑफ, हम हर शय को बंद कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कम्युनिकेशन भी बंद कर रहे हैं, हर चीज़ बंद कर रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, यानी कि ये कमिटमेंट है, ये डेडिकेशन है, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करने जा रहा हूँ जो मर्जी हो जाए, ठीक है, सो दिस इज़ अ डेडिकेशन. सो डेडिकेशन के लिए भी आप समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं. वी आर टर्निंग एवरीथिंग ऑफ, ठीक है, हम हर चीज़ जो है वो बंद कर रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, ओके, और हम जा क्या करने जा रहे हैं, गोइंग टू फोकस, हम फोकस करने जा रहे हैं ऑन स्टडिंग, पढ़ने पर, फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए पढ़ने पर हम फोकस करने जा रहे हैं. ओके, डिसाइड हो गया दोनों फ्रेंड्स में, ठीक है जी. वी आर टर्निंग एवरीथिंग ऑफ एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, फ्रेंड वन जो है वो मोटिवेट कर रहा है एक दूसरे फ्रेंड को, और दूसरा फ्रेंड जो है बाय बीइंग मोटिवेटेड ही सेड ओके सी यू टुमारो, ठीक है, दिस इज अ गुड बाय वर्ड, ठीक है, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, गुड लक ऑन द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए गुड लक, ठीक है, अच्छी किस्मत, तो गुड लक ऑन द टेस्ट, तो टेस्ट के लिए गुड लक, तो कल बात होती है, ठीक है, कल मिलते हैं, ओके सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, गुड लक ऑन द टेस्ट, और टेस्ट के लिए जो है वो गुड लक. नेक्स्ट है जी, फ्रेंड
फ्रेंड वन सेज थैंक्स, यू टू, बाय, तुम्हारा भी शुक्रिया, यू टू, तुम्हारा भी शुक्रिया, बाय, खुदा हाफिज। ठीक है जी, होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन, यू इन्जॉय दैट, एंड काइंडली प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, ओके, एज मच एज यू कैन, ओके, स्पीक विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड प्रैक्टिस। ए कोर्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, बट इन द मीन टाइम, मीन वाइल, आई विल अपलोड द वीडियो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड उसके साथ साथ मैं आपको सेकेंड कन्वर्सेशन जो है वो भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा। होप यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज, एंड लाइक माई वीडियोज इफ़ यू थिंक आई एम गिविंग यू अ गुड नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।